प्लांटी के बारे में। तो किंगडम प्लांटी अपने में एक तरीके से उन जीवों को शामिल रखती है जो क्लोरोफिलस होते हैं और साथ ही में इकोरोटिक सेल्स वाले होते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आओ हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हमारे साथ है, हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर देखें तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हर जीव इसमें शामिल हो जाता है विच आर द क्लोरोफिलस, जो कि क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिलस का मतलब हो गया जिसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, वो सारे के सारे जीव किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं एंड हैव द इकोरोटिक सेल, और साथ में इनके अंदर क्या होती है, इकोरोटिक सेल होती है विद द सेल्युलोसिक सेल वाल, ऊपर से सेल्युलोसिक सेल वाल होती है। तो सेल्युलोस से बनी हुई एक मोटी सी सेल वाल भी इनके ऊपर पाई जाती है, किसके, किंगडम जो प्लांटी के जो जीव है उनके ऊपर, ठीक है। किंगडम प्लांटी इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग द फीचर्स, इसके मुख्य फीचर्स है इस किंगडम के, इस मतलब जो आपका प्लांटी किंगडम है इसके ये फीचर्स हमने यहाँ पर लिखे, ये इसकी विशेषता है। तो अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्युलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्युलोज से मिलकर के बनी होती है। दूसरी विशेषता क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी मतलब ये खुद का खाना बना लेते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर, अभी ऑटोट्रॉफ है क्यों, तो सीधी सी बात है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल के होने से प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाना बना सकते हैं अगर उनके पास में क्लोरोफिल अवेलेबल है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ये क्षमता होती है कि हीट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एस्क्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड द सेंस ऑर्गेन्स आर एबसेंट, ये जो आपका नर्वस सिस्टम जो है जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। जैसे कि नर्वस सिस्टम में मसल्स, सेंस ऑर्गेन जैसे आई, ईयर, नोज, ये सब चीज़ें इनमें एबसेंट होती है, एबसेंट माने अनुपस्थित, इनके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती, किसके अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर। दूसरी बात आती है प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इन द सेल, दरअसल क्या होता है कि सेंट्रल वैक्यूल जो होता है सेल में वो मौजूद होता है, ये खाली सी जगह होती है जो स्टोर के काम में आती है, ठीक है। और ये वाइट वाइट आपको दिखाई देता है जब माइक्रोस्कोपिक वगैरह से चीज़ों को जूम करके जब दिखाते हैं, और साथ में जैसे मान लो कहीं भी किताब में फिगर बना होगा तो एक खाली मतलब सेल के अंदर एक खाली सा गोला बना देते हैं जिसके अंदर ना तो कोई डॉट वगैरह या डार्कनेस कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल एम्प्टी बना देते हैं। तो ये जो होते हैं वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज वगैरह के काम में सेल के आते हैं। एक्टिव लोकोमोशन इज द एबसेंट, साथ में क्या होता है, एक्टिव लोकोमोशन एबसेंट होती है। एक्टिव लोकोमोशन का मतलब ये इधर उधर नहीं जाते, ठीक है, कौन से जीव, किंगडम प्लांटी के। रिजर्व फूड इज द स्टार्च, इनके अंदर रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च एक ऐसा फूड है जो ये अपने बॉडी के अंदर बनाने के बाद, क्योंकि ऑटोट्रॉफ होते हैं तो ऑटोट्रॉफ ज़्यादातर जो खाना बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में ही बनाते हैं और उसी को स्टोर रखते हैं अपने बॉडी के अंदर। अब आता है सो अ स्लो और द वीक रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट स्टिमुली, और साथ में जो बाहर से जो वातावरण के उद्दीपन है उनके प्रति बहुत ही वीक रिस्पॉन्स दिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि अगर शेर आ जाए तो कोई जीव खड़ा है तो भाग खड़ा होगा, जैसे कि डियर है आपका, रैबिट है, तो शेर आपकी धाड़ या उसको देखने से भाग खड़ा होगा जीव वो। लेकिन प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, तुमने देखा है कि वो चाहे शेर आ जाए चाहे खुद काटने वाला आदमी उनके पास पहुँच जाए काटने लगे वो भाग नहीं पाते। तो एनवायरमेंट जो स्टिमुली होते हैं, स्टिमुली का मतलब बाहर के जो उद्दीपन है, ठीक है, तो बाहर के उद्दीपन ही होते हैं, जैसे आग लग गई तो आग देख कर प्लांट नहीं भाग पाएंगे, तो स्टिमुली क्या हुआ, बाहर की जो आग लगने की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलस हो गई, ठीक है। तो इनका बाहर के जो स्टिमुलस है, एनवायरमेंटल जो स्टिमुलस है, उनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर, किंगडम प्लांटी उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ बर्ड मीनिंग जो मुझे लगता है कि आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो उन बर्ड मीनिंग्स को मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद में फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे।
तो बड़ी मीनिंग क्या है? सबसे पहले उन बड़ी मीनिंग को हम देख लें, तो हो सकता है आपको ये बड़ी मीनिंग परेशान करें, तो मैंने लिख दिए। और भी कुछ बड़ी मीनिंग जो आपको नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट करिए, तो मैं और भी सारे बड़ी मीनिंग को आपके बताने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं आप बात करता हूँ कुछ मुख्य बड़ी मीनिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ी मीनिंग हमें दे रखा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का सीधा मतलब हो जाता है हिंदी में चीज़ों को बांटना, अलग अलग चीज मतलब बांट करके चीज़ों को ग्रुप में लिखना। दूसरा आपका है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है शामिल, ठीक है, शामिल करना, शामिल करते हैं, शामिल होते हैं, ये सारे वर्ड जो मीनिंग है इंक्लूड्स के होते हैं। अच्छा, सेल्युलोसिक का मतलब होता है सेल्युलोज से बनी, तो सेल्युलोज से बनी हुई सेल वाल को सेल्युलोसिक सेल वाल कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल्स का मतलब होता है हैविंग क्लोरोफिल। हैविंग क्लोरोफिल का मतलब जिसके जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उनको हम क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास में ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वतः खाना बनाने वाले, स्वपोषी उन्हें कहा जाता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब हो गया कि जैसे मान लो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो भी हमारा बॉडी का बेस मटेरियल होता है तो वो निकालने के लिए हमारे बॉडी में किसी तरह का सिस्टम है, तो उसे कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, जैसे कि मैंने बताया था खाली जगह, तो एम्प्टी स्पेस को यहाँ पर एक बीच में पाया जाता है सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं रिक्तिका। और जब फिगर बनाया जाता है सेल का, तो उसमें इस तरीके से इसको बना दिया जाता है बिल्कुल परफेक्टली गोल करके, एक खाली जगह को ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लोकोमोशन का मतलब होता है गति, और रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जैसे आपने किसी तरह क्रिया की तो उसका उत्तर जो मिले, प्रत्युत्तर में, जैसे मान लो आपने किसी को झापड़ मारा तो वो आपको झापड़ मारे, तो वो उसकी प्रतिक्रिया रही। आपने झापड़ मारा तो वो रोने लगा, तो इस तरह की क्या हुई, वो प्रतिक्रिया हो गई उसकी तरफ से, जो रोने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ बड़ी मीनिंग थे जो आपको मैंने बताए, जो आपको बताने की ज़रूरत थी। और भी कुछ बड़ी मीनिंग अगर छूटे जाते हैं जो आपको नहीं आते, तो आपके पास डिक्शनरी है, ऑनलाइन डिक्शनरी है, उन पर जा करके आप सकते हैं, ठीक है। तो अभी और भी कुछ दो पॉइंट इसमें हमें पढ़ने हैं, दो तीन पॉइंट इसमें अभी अधूरे रह गए, एग्जांपल इसके अभी हमें पढ़ने हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अब हम इसके देखेंगे एग्जांपल के बारे में। तो इसके अंदर एग्जांपल में होते हैं, ये क्या अपने अंदर शामिल रखता है, इसके अंदर एल्गी पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, पैट्रिडोफाइट्स पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, एंड एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो ये इसके एग्जांपल है। अभी हमें इसके टाइप के बारे में भी पढ़ना होगा, किसके भी कई किंगडम प्लांटी के टाइप हो जाते हैं, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो के अंतर्गत